शिल्पा शेट्टी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बार आरोप है कि उनके किसी निजी कार्यक्रम की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतें हुई है। शिल्पा समेत चार लोग इस मामले में फंसे हुए हैं। अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जो एक्ट्रेस हमेशा फिटनेस और फिल्मों की वजह से सुर्खियों में रहती थी, अब वो लीगल मामलों में फंस गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ केस हो गया है। ये केस अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दायर किया है। अब देखना यह है कि इस बार एक्ट्रेस कैसे इस मुसीबत से निकलती है। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज केस में अब 11 नवंबर को सुनवाई होगी। इस केस में शिल्पा पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि शिल्पा एक ज्वेलरी शोरूम के ओपनिंग इवेंट में गई थी और उनकी वजह से वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। सुधीर ओझा ने बताया कि शिल्पा के कार्यक्रम की वजह से जो जाम लगा था उसमें वो खुद भी फंस गए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ट्रैफिक सिग्नल तक बंद कर दिए गए थे। शिल्पा शेट्टी के एक झलक पाने के लिए लोग इतने बेताब थे कि सड़क पर जाम लग गया, यानी शिल्पा की वजह से शहर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। इसीलिए अधिवक्ता ने शिल्पा और बाकी लोगों के खिलाफ केस कर दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। ऐसी न्यूज़ अपडेट करने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।